हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट मैंगो लस्सी की रेसिपी। मैं इसको मैंगो पल्प के साथ बनाऊंगी, आप चाहें तो फ्रेश मैंगो भी ले सकते हैं। बहुत इजी एंड क्विक रेसिपी है। इसको बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो ये हैं। हमें चाहिए होगा मिल्क, मैंगो पल्प, योगर्ट, शुगर एंड आइस क्यूब्स। और अब लस्सी बनाने के लिए हम लेंगे एक ब्लेंडर और उसमें हम 2 कप मैंगो पल्प ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 कप योगर्ट। योगर्ट की क्वांटिटी उतनी ही रखनी है जितनी हमने मैंगो पल्प की क्वांटिटी रखी है, सेम क्वांटिटी में हम योगर्ट यूज़ करेंगे। मैंगो पल्प और योगर्ट डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर हमने ज़्यादा नहीं ऐड करनी है क्योंकि मैंगो पल्प में ऑलरेडी शुगर मौजूद है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून शुगर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी जो कि 1/3 कप है, क्योंकि मैं ग्रीक योगर्ट यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। और अगर आपके पास पतला योगर्ट है तो फिर आप इसमें मिल्क ना डालें। और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसमें मैंने आइस क्यूब्स नहीं डाली हैं, आइस क्यूब्स मैं एंड में डालूँगी क्योंकि साथ में डालने से, ब्लेंड होने से फ़ौरन मेल्ट हो जाती हैं और पानी बन जाती हैं और लस्सी पतली हो जाती है, तो मैंने इसमें अभी आइस क्यूब्स नहीं डालिए हैं। और लस्सी बहुत पतली नहीं चाहिए, ये मैंगो लस्सी है तो थोड़ी थिक क्रीमी होनी चाहिए, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लस्सी और शेक के दरमियान क्या डिफरेंस है, लस्सी हम योगर्ट के साथ बनाते हैं और हम योगर्ट के साथ कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, मैंगो ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हैं इसमें, और शेक में हम मिल्क, क्रीम और कोई भी फ्लेवर के साथ बनाते हैं। इसमें हम योगर्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें भी हम मैंगो से बना सकते हैं, शेक स्ट्रॉबेरी से बना सकते हैं, बनाना के साथ बना सकते हैं। बच्चों को ये मैंगो लस्सी ज़रूर बना के दें, वो बहुत शौक से पियेंगे। बच्चे दूध नहीं पीते हैं, अगर हम उनको इस तरह से मैंगो लस्सी बना कर देंगे तो वो बहुत शौक से पियेंगे। आप ज़रूर बनाइएगा। जी तो माशाल्लाह से हमारी क्रीमी कोल्ड बहुत ही टेस्टी मैंगो लस्सी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है ये। और अब हम ग्लास में आइस क्यूब्स डालेंगे और साथ में ही हम मैंगो लस्सी डालेंगे। जी तो मैंगो लस्सी आप अपने लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं या बच्चों के लिए बनाएं, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ज़रूर बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।